भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की तो सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड होने लगे। कुछ फैंस ने जहां उनके इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें एक बार फिर से विचार करने की सलाह दी। इसी बीच अभिनेता व क्रिटिक कमाल आर खान ने भी ट्वीट किया। केआरके ने विराट कोहली के फैसले से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात सोचने को कहा। केआरके के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खूब ट्रोल किया। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, सर नरेंद्र मोदी, विराट कोहली ने बतौर टेस्ट टीम कप्तान से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो मैच नहीं जीत पा रहा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आप जनता की संतुष्टि के साथ देश नहीं चला पा रहे हैं। आपको इस बारे में सोचना चाहिए सर। इस ट्वीट पर केआरके को खूब ट्रोल किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 80% जनता मोदी जी से संतुष्ट है, तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है कि जवाब मिल गया तेरे को। एक दूसरे ने लिखा, और ये आप तय करोगे, हम भारतीयों ने आपको वकील रखा है क्या। एक और सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, जिसको संतुष्टि नहीं है वो पड़ोसी देश चला जाए। वही एक और ने लिखा, ट्विटर अकाउंट चलाना और देश चलाने में बहुत फर्क होता है। याद दिला दे कि ऐसा पहली बार नहीं है जब केआरके ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इसके पहले भी केआरके मोदी और बीजेपी को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले केआरके ने भाजपा और पीएम मोदी पर बिना नाम लिखे तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा था, एक आदमी 2014 से 130 करोड़ लोगों को उल्लू बनाता आ रहा है, बताओ कौन है वो। केआरके के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा था कि वो पीएम मोदी पर निशाना साधने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।